मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाज़ार में मिलने वाली झागदार कॉफ़ी को हम घर पर किस तरह से तैयार करें, वो भी बिना किसी मशीन के, बिना मिक्सर के जार में फेंटे या बिना मेहनत के हम किस तरह से इसे तैयार करें। तो बस दो कप कॉफ़ी बनाने की रेसिपी मैं आपको आज दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच कॉफ़ी। आप किसी भी कंपनी का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर शक्कर ली है। तो आपको क्या करना है, सूखी जो हमारा कॉफ़ी का पाउडर आता है वो लेना है, 3 चम्मच शक्कर लेना है। इन्हें पहले आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपको लग रहा होगा, अरे इस कॉफ़ी में झाग कैसे आएगा। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप एक बार इस तरीके से झाग वाली कॉफ़ी बनाएं, आपको लगेगा कि हम किसी कैफ़े में बैठकर इस कॉफ़ी को पी रहे हैं, इतने सारे इसमें झाग आएंगे। तो यहाँ पर आपको लेना कोई भी प्लास्टिक की बॉटल जिसका ढक्कन बस टाइट लगना चाहिए। कैसी भी आप बॉटल ले सकते हैं, बस आपको शक्कर को इस तरह से हाथों से पकड़ कर डालना है। यदि आपको शक्कर को और कॉफ़ी को इसमें बॉटल में डालने में परेशानी हो रही है तो आप किसी फनल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं तो इस तरह से हाथों से पकड़कर आसानी से डाल लेती हूँ। ये देखिए, तो शक्कर बिखरने नहीं पाती है, और नहीं तो ये फनल आता है दोस्तों, वैसे भी बहुत सी चीज़ों में काम आता है। बस तो ये फनल को मैंने बॉटल के मुंह के ऊपर रख दिया है। कॉफ़ी और शक्कर दोनों को इसमें डाल दिया है। 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 3 चम्मच शक्कर डाला है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल गर्म पानी। तो आप देख रहे हैं ये जो पानी है, बिल्कुल ही तेज गर्म पानी होना चाहिए। 2 चम्मच के करीब आपको पानी डालना, इतना पानी डालें कि शक्कर डूब जाए। शक्कर के थोड़े से ऊपर तक के पानी है, आपको दिख रहा होगा बॉटल में। सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने हॉट वाटर का यूज़ किया है। खूब अच्छी तरह से ढक्कन को लगा दें। सिर्फ 1 मिनट तक आपको इसको शेक करना है। आप एक बार बना के देखें, बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों। इधर मैंने दूध को उबलने रख दिया है। दूध में बढ़िया अच्छा उबाल आ जाना चाहिए। दूध में जब तक उबाल आ रहा है तब तक 1 मिनट के अंदर ही हमारी कॉफ़ी फिटी हुई बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये जो बॉटल है पूरे झाग वाले कॉफ़ी से भर चुकी है। देखें, आप इसका झाग देखकर खुश हो जाएंगे दोस्तों। जब भी आप इसे बनाएंगे आपको लगेगा कि अरे वाह, मैंने क्या कॉफ़ी बनाई है। तो बस सबसे पहले आपको जिस भी कप में कॉफ़ी को सर्व करना है उसमें आप इस कॉफ़ी का जो झाग हमने तैयार किया है, जो ये लिक्विड तैयार किया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कि इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो बस इस कप में मैंने इतना डाला है। यदि आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सा आधी आधी चम्मच और डाल सकते हैं। ऊपर से बिल्कुल थोड़े से ऊंचाई से मैं इसमें उबलते हुए दूध को डाल रही हूँ। जितना अच्छा हम इसमें गर्म दूध डालेंगे उतनी ही तेज़ी से इसमें झाग आएगा। अब ये जो कॉफ़ी का कप है दोस्तों, ये आधा से अधिक झाग से भर चुका है। बिल्कुल जैसे कि हम मशीन की कॉफ़ी पीते हैं ना दोस्तों, वैसे ही लगेगी आपको ये कॉफ़ी। तो बस दोनों कप में मैंने अच्छा उबलता हुआ दूध डाल दिया है। दूध को थोड़ा ऊंचाई से डालने से झाग और भी अच्छा आता है। आप चाहें तो थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं। ड्रिंकिंग चॉकलेट है तो स्प्रिंकल कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो बस आप सिर्फ थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर को स्प्रिंकल कर दें ताकि इसका लुक बिल्कुल मार्केट के जैसा लगे। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको 1 चम्मच में इसके झाग को उठाकर दिखा रही हूँ। आप देखिए, इतने बड़े साइज़ की टेबल स्पून है जो झाग से भर गई है। कम से कम 3 से 4 चम्मच इसमें झाग भरा हुआ है। इतनी अच्छी लगती है दोस्तों कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखें, बहुत शानदार हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की कॉफ़ी बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक छोटा लाइक ज़रूर दें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।